हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अभिषेक चिलवर और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टड लाइक में। तो भाई लोग, काफ़ी टाइम से एक कंट्रोवर्सी फैली पड़ी है ऑनलाइन और ऑफलाइन। एक टाइम तक के लिए ये सिर्फ एक चिंगारी थी, लेकिन अभी कैरीमिनाटी की वीडियो आई है और उसके बाद से ये चिंगारी बहुत तड़की आग बन गई है और इस आग से काफ़ी सारे टिकटॉकर्स जलने वाले हैं। तो टॉपिक है टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स। तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है ये टॉपिक और इसके ऊपर काफ़ी हज़ारों वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे अवेलेबल। इस बंदे को देखो, जब तक कैरी ने इसका रोस्ट नहीं किया था कौन जानता था इस बंदे को कि इसका नाम अमीर सिद्दीकी है और ये कौन है। लेकिन जब से रोस्ट किया है कैरी ने इसका, हर कोई इसको जानता है। इनफैक्ट उस रोस्ट के बाद काफ़ी सारे मीम्स बनने लग गए इन दोनों के ऊपर। एक साइड से देखा जाए तो इस बंदे को पब्लिसिटी मिली है इस रोस्ट के बाद। तो देखो यार, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ये टॉपिक ऐसा है जिस पर हज़ारों वीडियोस भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे, और इन वीडियोस में यूट्यूबर्स खुल खुल के टिकटॉकर्स का रोस्ट कर रहे हैं। देखो भाई, जब इतनी सारे रोस्ट करोगे, तुम इतना कुछ बोलोगे एक कम्युनिटी के बारे में, टिकटॉकर्स के बारे में, तो उस कम्युनिटी से भी तो कोई ना कोई उनके लिए स्टैंड लेगा। तो उनकी तरफ से स्टैंड लिया इस बंदे ने और ये इंसान एक नंबर का बकचोद निकला। स्टार्टिंग तो इसने अच्छे से की थी, लेकिन बाद में जाके हक दिया। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में ही कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। मैं इसमें कुछ रोस्ट वोस्ट नहीं करने वाला, बस एक छोटा सा सडन आइडिया देने वाला हूँ आपको कि टिकटॉक और यूट्यूब दोनों अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। वो मेरे हिसाब से पूरा कॉम्पिटिशन या फिर कॉन्ट्रोवर्सी पूरी बेसलेस है। तो मैं दोनों का कंपेरिजन बताने वाला हूँ और हम दोनों को कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स या पॉइंट्स जिससे ये साबित हो जाएगा कि टिकटॉक और यूट्यूब दोनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं और हम इन दोनों को ही बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये वर्सेस वाली कंट्रोवर्सी करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, लेंथ। जो वीडियोज़ की लेंथ होती है टिकटॉक पे लिमिटेड है कि 15 सेकंड की डाल सकते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की, उससे ज़्यादा लंबी वीडियो तुम डाल नहीं सकते टिकटॉक पे। लेकिन आप YouTube पे कितनी भी लंबी वीडियो डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कि जब TikTok पे हम देखते हैं तो नॉर्मली 15 सेकंड से 1 मिनट के बीच की वीडियो होती है। वो वीडियो हमने देखी और उसके बाद मूव ऑन हो गए। लेकिन जब YouTube पे हम वीडियो देखते हैं तो कोई वीडियो 4 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 1-1 घंटे की भी होती है। तो जब हम वीडियो देखते हैं तो उसके साथ इंडल्ज हो जाते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व फील करते हैं खुद को। तो जब तक वो वीडियो ख़त्म नहीं होती हम लोग उसी के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं। तो 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक हमारा टाइम जाता है। तो इन वे ऑफ लेंथ देखा जाए तो दोनों की लेंथ बहुत डिफरेंट है, दोनों की वीडियो लेंथ बहुत डिफरेंट। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों का कोई कंपटीशन है। अब चलते हैं नंबर दो पे। तो नंबर दो है अपलोड काउंट। जहाँ एक यूट्यूबर अपलोड करता है दिन में एक वीडियो या हफ्ते में एक वीडियो या रियली मंथ में एक या दो वीडियो, वहीं टिकटॉक पे डेली के डेली कम से कम जो नए टिकटॉकर्स होते हैं वो 10-15 वीडियोस डालते हैं और जो फेमस हैं वो 2-3 वीडियोस डालते हैं। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि तुम एक वीडियो डालोगे तो ठीक है, अगर एक से ज़्यादा डालोगे तो तुम्हारी पहले वाली वीडियो को वो सप्रेस कर देगा, एक वीडियो को ही चलाएगा। लेकिन टिकटॉक का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर आपने 3 वीडियोस डाली हैं तो कोई ना कोई तो उनमें से चलेगी। और अब बात करते हैं नंबर तीन की। तो नंबर तीन पे नंबर्स। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो टिकटॉक दे सकता है वो कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। जो व्यूज़ और इंगेजमेंट्स के नंबर्स टिकटॉक पे आते हैं वो यूट्यूब पे नहीं आते। यूट्यूब पे जो इंगेजमेंट्स और व्यूज़ आते हैं वो कम आते हैं, लेकिन टिकटॉक पे ये नंबर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक रीज़न इसका ये भी है क्योंकि उस पर वीडियोज़ की लेंथ छोटी होती है, यूट्यूब पे लेंथ काफ़ी लंबी होती है। और नंबर चार, बात करें डिमांड की, तो मार्केट में जैसे कि मैंने एक वीडियो देखी थी अभी इसी बात के ऊपर, बियर बाइसेप्स के रणवीर इलाहाबादिया की वीडियो थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि डिमांड आज के टाइम पे टिकटॉकर्स की ज़्यादा है मार्केट में इन कंपैरिजन टू यूट्यूबर्स। जो ब्रांड्स हैं वो टिकटॉकर्स को ज़्यादा हायर करना चाहती हैं इन कंपैरिजन टू यूट्यूबर्स अपने प्रमोशंस के लिए, क्योंकि उनकी रीच ज़्यादा होती है। नंबर 5, ब्रांड वैल्यू। तो अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ब्रांड वैल्यू आज भी यूट्यूबर्स की ज़्यादा है।
ब्रांड्स जो हैं वो टिकटॉकर्स पे कम पैसा खर्च करते हैं, भले उनकी रीच ज़्यादा हो, लेकिन जो लॉयल फॉलोअर्स होते हैं वो यूट्यूबर्स के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उनकी वीडियोस से एक फैमिली की तरह फील करने लगते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन टिकटॉकर्स की वीडियो देख के लोग 15 सेकंड में मूव ऑन हो जाते हैं, तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो यूट्यूबर्स के ज़्यादा लॉयल होते हैं, इसलिए उनकी ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो नंबर 6 जो है वो है मनी, मनी ऑलवेज मैटर। पैसे की बात करें तो पैसा आज भी यूट्यूबर्स ज़्यादा कमा रहे हैं इन कंपैरिजन टू टिकटॉकर्स, लेकिन ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि टिकटॉक नया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अभी लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है जितनी यूट्यूब पे है कि कैसे पैसा कमा सकते हैं, ब्रांड डील्स कैसे कर सकते हैं एंड ऑल। नंबर 7 है स्ट्रगल। तो देखो भाई, स्ट्रगल की बात करी जाए तो स्ट्रगल सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे है। टिकटॉक आप अपने एक सिंपल से फ़ोन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और कोई भी हैवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो उनका इनबिल्ट एडिटर है ना टिकटॉक का, वही बहुत कमाल है। बट जो यूट्यूबर्स हैं उनको बहुत अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी में वीडियो शूट करनी पड़ती है, उसके बाद काफ़ी सारे अच्छे हैवी एडिटर से एडिट करनी पड़ती है अगर अच्छे वीडियो चाहिए तो, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन टिकटॉक वीडियोस एडिट करने में, बनाने में उतना टाइम नहीं जाता है इन कंपैरिजन टू यूट्यूब जितना जाता है। तो रही बात स्ट्रगल की, तो यूट्यूब पे ज़्यादा है स्ट्रगल। और फिर रही बात फेमस होने की, तो फेमस भी आप टिकटॉक पर जल्दी हो सकते हो, क्योंकि वो नया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है इन कंपेरिजन टू यूट्यूब। यूट्यूब पर बहुत कॉम्पिटिशन है, और यूट्यूब तो न्यू क्रिएटर्स की वीडियो उतनी पुश भी नहीं करता जितना टिकटॉक कर देता है। यूट्यूब बस रिलेटेड वीडियोस में भी उन्हीं की वीडियोस दिखाता है जो फेमस यूट्यूबर्स होते हैं, और जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनके कुछ खास वीडियोस दिखाता नहीं है। और उसके अलावा टिकटॉक रैंडमली कुछ भी दिखा देता है 15 सेकंड में, जैसे आप उसे स्वाइप अप करोगे तो यू डोंट नो कि नेक्स्ट वीडियो किसकी आ जाए। तो इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं टिकटॉक पे फेमस होने के इन कंपैरिजन टू यूट्यूब। अगर आप अंदर से मेहनत कर सकते हो एडिटिंग के लिए तो ही आप यूट्यूब ज्वाइन करें, वरना टिकटॉक बहुत सही प्लेटफॉर्म है फेमस होने के लिए। तो नंबर 8 है कॉपीराइट्स और ओरिजिनल कंटेंट। तो मेनली टिकटॉक पे क्या होता है, दूसरों के गानों पे, दूसरों की वीडियोज़ पे हम सिर्फ लिपसिंग करते हैं, डब स्मैश बनाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे हमको ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, ओरिजिनल सब कुछ चाहिए। तो ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा लगती है इन कंपेरिजन टू दूसरों की वीडियोस के ऊपर डब स्मैश करने पे या फिर उन्हीं को रिक्रिएट करने में, इसलिए यूट्यूब पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और ओरिजिनल कंटेंट की डिमांड ज़्यादा है यूट्यूब पे। नंबर 9, ऑडियंस या यूज़र्स कैसे हैं इनके। तो कॉमनली देखा जाए तो टिकटॉक के यूज़र्स जो हैं वो सारे यंगस्टर्स हैं, यंग ऑडियंस है, यही 26-27 साल से कम उम्र वाली ऑडियंस, जो मोस्टली लोग कॉलेजेस में होते हैं या फिर स्कूल में होते हैं, या टीनेजर्स जो होते हैं वही लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जबकि यूट्यूब पे हर उम्र की ऑडियंस है, हर तरीके की ऑडियंस है, क्योंकि यूट्यूब हर कोई देखता है, टिकटॉक जबकि यंग पीपल के अंदर ज़्यादा फेमस है। अब आते हैं नंबर 10 जो कि लास्ट है, फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में देखें तो टिकटॉक का भी फ्यूचर ब्राइट है और यूट्यूब का तो फ्यूचर है ही ब्राइट। अगर आने वाले टाइम की बात करें तो यूट्यूब भी रहने वाला है, टिकटॉक भी रहने वाला है, दोनों एक को एग्जिस्ट करेंगे और दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का कोई कंपटीशन है ही नहीं। जहां आप यूट्यूब यूज़ करते हो वहां टिकटॉक को कंपेयर नहीं कर सकते, और जहां आप टिकटॉक यूज़ करते हो वहां यूट्यूब को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपनी जगह पर अलग अलग हैं। तो एज अ कंक्लूजन मैं लास्टली यही कहूँगा कि जो टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स या यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स जो भी डिबेट है, ये बेसलेस है, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर हमें कुछ करना चाहिए तो वो दोनों प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाना चाहिए और दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे नहीं चल पा रहे हो तो आई होप आप टिकटॉक पे चल जाओगे, अगर बाई चांस टिकटॉक पे नहीं चल पा रहे हो तो यूट्यूब पे चल जाओगे, कहीं ना कहीं तो चलोगे। इतने निकम्मे तो कोई नहीं होता, अब बिल्कुल ही निकम्मे हो गए तो कहीं नहीं चलोगे। आने वाले टाइम की बात करें तो आने वाले टाइम में तो ऑडियंस दोनों पे ही आने वाली है, और हम दोनों की ऑडियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप टिकटॉक पे अवेलेबल रहोगे तो इसका फ़ायदा ये है, जहाँ से आप डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को भेज सकते हो, वो आपका चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे, आपको न्यू ऑडियंस मिलेगी, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके,
तो हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा अगर आप टिकटॉक यूज़ करोगे। और अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हो तो और यूट्यूब पे आ जाओगे तो यूट्यूब पे भी आपका फ़ायदा है, नई ऑडियंस मिलेगी, नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और पैसा कमा सकते हो। तो हमें इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहिए और फालतू की हेट नहीं फैलानी चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए और मिल बांट के प्यार से रहना चाहिए। सो गाइज, ये थे मेरे कुछ व्यूज़ और ओपिनियन टिकटॉक वर्सेज यूट्यूबर्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबाकर या सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करके। सो गाइज, दिस इज़ अभिषेक चुलवर साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। Thank you.